बंधुओं, आज मैं आपको शराब से कैसे गुलाब जामुन बनाएं, मतलब कि गुलाब जामुन प्लस अल्कोहल रेसिपी बताऊंगा। इसका सारा प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आप गुलाब जामुन के साथ जो भी आपकी फेवरेट ड्रिंक है, जो भी आप दारू यूज़ करते हैं, पीते हैं, उसको ऐड करके कैसे आप उसका एक ज़बरदस्त मिक्सचर बना सकते हैं जिसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त होगा और आपको कुछ नया मिलेगा। आइए जानते हैं कि इसके लिए कि इंग्रेडिएंट्स यानी कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले जो भी आप जिस भी ब्रांड का आप शराब या दारू पीते हैं उस ब्रांड का एक सिरप बनाना होगा, जिसको जैसे फॉर एग्जांपल ओल्ड मॉन्क है तो ये सिरप का नाम होगा रम शुगर सिरप। अगर आप टीचर्स का पीते हैं ब्रांड तो उसके हिसाब से एक सिरप बना ले, अगर आप कुछ और पीते हैं तो उसके हिसाब से सिरप बनेगा। तो जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होगा रम शुगर सिरप के लिए, या इसमें आपको एक कप शुगर चाहिए, 3 कार्डमम पॉड्स, कार्डमम मतलब जो इलायची होती है ना वो, 3 इलायची चाहिए, 1 कप पानी चाहिए और आधा कप जो है ओल्ड मॉन्क रम, या फिर आधा कप आप जो भी ब्रांड आप पीते हैं वो मिला दें इसमें, और आधा चम्मच नींबू का जूस चाहिए और 1 चम्मच जो है इसमें पिस्ता जो होता है उसके टुकड़े चाहिए। तो ये हो गया आपका रम शुगर सिरप, ठीक है। और जो गुलाब जामुन है उसको बनाने के लिए आपको आधा कप मिल्क पाउडर चाहिए होगा, 1 चम्मच मैदा चाहिए होगा, आधा चम्मच या आधा चम्मच नहीं उससे भी थोड़ा कम बेकिंग सोडा और 1 चम्मच घी, 3 चम्मच मिल्क दूध और 2 कप वाइन। अब आइए देखते हैं कि क्या प्रोसेस है इस चीज़ को बनाने का। सबसे पहले आप 1 कप शुगर ले लें यानी कि चीनी, उसमें 1 कप पानी मिला ले और उसमें 3 इलायची के दाने डाल दें यानी 3 कार्डमम पॉड्स डाल दें। उसके बाद आधा कप ओल्ड मॉन्क रम या फिर जो भी ब्रांड आप पीते हैं वो ब्रांड मिला दें उसके अंदर शराब की, और आधा चम्मच लेमन जूस मिला के एक सॉस पैन या जो भी आप जिस किसी भी एक बर्तन में लेकर के इसे गर्म कर ले उसके अंदर ये सारा मिक्सर मिला दें और इसको मध्यम हीट में यानी कि मीडियम फ्लेम में इसको कुक करें। 8-10 मिनट तक इसको कुक करते रहें, जब तक कुक करें जब तक ये जो सिरप है इसका जो मिक्सचर बनेगा वो थोड़ा गाढ़ा बन जाए। जब ये मिक्सचर गाढ़ा बन जाए तो इसको बंद कर दें और साइड में रख दें। अब गुलाब जामुन की रेसिपी मैं बता रहा हूँ आपको, एक बॉल ले उसके अंदर मिल्क पाउडर और मैदा और जो बेकिंग सोडा है इसको मिला ले। मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स में बताया था कि इसके लिए आधा कप मिल्क पाउडर चाहिए होगा, 1 चम्मच मैदा चाहिए होगा और थोड़ा सा सोडा चाहिए होगा। इसको मिला ले एक बॉल में, उसमें 1 चम्मच घी डाल दे और इसको अच्छे से मिक्स कर ले। मिक्स करने के बाद उसमें 2 चम्मच दूध डाल दे उस मिक्सचर में और उसको अच्छे से आटे की तरह गूंथ ले। जब गूंथने के बाद जब वो ढंग से आटा बन जाए उसका, तो अगर वो थोड़ा सा सट भी रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा वो सूखा आटा बन गया तो उसमें आप थोड़ा सा दूध डालें और उसको गीला कर ले थोड़ा सा। उसके बाद अपने हाथों को तेल से या घी से थोड़ा अपने हाथों पर लगा ले ताकि जो रोल बने, बॉल बने उस आटे का, वो सॉफ्ट बने और अच्छा बने। तो उसमें से जो आटा है उसको आप 10 हिस्सों में बांट ले और उसके 10 बॉल्स बना ले छोटे छोटे, और सबके साइज कोशिश करें कि इक्वल साइज में हो, और ये भी ध्यान रखें कि उसमें कोई क्रैक या कोई मतलब वो टूटा फूटा ना बने, वो बिल्कुल गोल गोल सर्कल में बने और मीडियम साइज का बने वो। उसको 10 इक्वल बॉल्स में बांट लें और उसको फिर साइड कर दें। उसके बाद 2 कप तेल लें, एक पैन के अंदर आप 2 कप तेल डाल दें और उसमें उसको थोड़ा गर्म कर लें। जब वो तेल गर्म हो जाए तो उसमें 3-4 जो बॉल्स बने हैं उस डाउ से यानी कि आटे से, उसको उसमें डाल दें और चारों को एक साथ फ्राई करें। उसको तब तक फ्राई करना है जब तक कि उसका कलर डीप गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। जैसे ही वो डीप गोल्डन ब्राउन उसका कलर हो जाए तो उसको आपको बाहर निकाल देना है, और उसके बाद फिर ऐसे ही बाकी जो बॉल्स हैं, जो आटे के बॉल्स हैं, उसको भी आपको फ्राई कर लेना है। उसके बाद जो हम लोगों ने शुरू में सिरप बनाया था, शराब का जो सिरप बनाया था, उस सिरप को थोड़ा सा गर्म कर लेना है और उसके अंदर ये जो 10 बॉल्स हैं उसको डाल देना है, और ये ध्यान रखना है कि उसका जो सिरप है वो उससे बिल्कुल ये गुलाब जामुन ढक जाए, लबालब वो सिरप भरा हो इसके ऊपर।
उसके बाद कुछ घंटों के लिए आप इस गुलाब जामुन और सिरप के मिक्सचर को कहीं साइड में रख दें, और जब कुछ घंटों के बाद जब वो ढंग से उसके अंदर वो शराब को जो सिरप है वो गुलाब जामुन के अंदर मिक्स हो जाए और गुलाब जामुन ढंग से बड़े साइज में बन जाए, उसके बाद उसको आप जो पिस्ता है उसको तोड़ करके उसको उसके ऊपर उसको गार्निश कर दें, और ये जो शराब का और गुलाब जामुन का ज़बरदस्त मिक्सचर तैयार है। इसको आप चाहें तो तुरंत भी खा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप कुछ देर फ्रीज में रख करके इसे ठंडा कर ले, और ठंडा करने के बाद भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। ये बिल्कुल ही यूनिक और डिफरेंट टेस्ट आपको मिलेगा, जो शायद ही आपने कभी इस तरीके का कोई चीज़ खाया होगा, और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बिल्कुल डरिए मत। ये बहुत ही बढ़िया लाजवाब एक मिठाई के साथ दारू का जो मिक्सचर होता है वो आपको यहाँ पे देखने को और खाने को मिलेगा। धन्यवाद।